बातों बातों में मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि आज ट्रेंडिंग में कौन कौन से सिंगर्स, कौन कौन से कलाकार अपने गानों को लेकर पोजीशन हासिल कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने शुरू कर दिया है देखना, और सबसे पहला नाम आता है भोजपुरी के सुपरस्टार रिकॉर्ड मशीन मिस्टर पवन सिंह जी का, जो रंग ठोपे ठोप अपने इस गाने को लेकर के ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। जी हाँ, इस समय चौथे नंबर पर पवन सिंह साहब जो है अपने इस गाने को लेकर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। वेव म्यूजिक से इस गाने को, दोस्तों वेव म्यूजिक से इस गाने को 7 दिन पहले रिलीज करा गया है, और अब तक 1 करोड़ बार इस गाने को देखा भी जा चुका है। लगभग 3.5 लाख के आसपास लाइक मिले हैं, जबकि 78,000 के आसपास कमेंट भी मिले हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार मिस्टर खेसारी लाल यादव जी का नाम आता है, जो अपने गरम गोदाम नामक इस गाने को लेकर चर्चे में बने हुए हैं, ट्रेंडिंग में बने हुए हैं 6 नंबर पर। आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा इस गाने को लाइक मिल चुके हैं, जबकि 80 लाख के आसपास व्यूज भी मिला हुआ है, और इस समय 6 नंबर पर खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग में बने हुए। 8 दिन पहले सारे गामा हम भोजपुरी से इस गाने को दोस्तों रिलीज किया गया था। अगला जो नाम है वो मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ खेसारी लाल यादव जी के लिए तालियां बजती हैं। 4 दिन पहले इनका गाना देवरा भैल दतार रिलीज करा गया था सारे गामा हम भोजपुरी से, 50 लाख के आसपास अब तक व्यूज मिला है। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये गाना इस समय जो है 9वें नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी हाँ, अब तक 2 गाने के साथ खेसारी जी और 1 गाने के साथ पवन सिंह साहब ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। इसके बाद जो अगला नाम आ रहा है उसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर एक बार खेसारी लाल यादव ही। वेव म्यूजिक से इस गाने को 2 दिन पहले रिलीज किया गया है, 41 लाख के आसपास इस गाने को अब तक लाइक मिल चुके हैं। मुहे लागल बा गाने का टाइटल नाम है, और देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि 13वें नंबर पर भी खेसारी लाल यादव जी यहाँ पर ट्रेंडिंग में बने हुए, 20,000 के आसपास कमेंट मिल चुके हैं, 1.5 लाख के आसपास अब तक व्यूज भी मिला हुआ है। अगला जो नाम आ रहा है वो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अगला नाम, जी हां, अरविंद अकेला कल्लू भी आज ट्रेंडिंग में आखिरकार आ ही गए। 1 दिन पहले मात्र इनका गाना सारे गामा हम भोजपुरी से फगुआ गवाई तबला पर रिलीज करा गया था, जिसे अब तक 42,000 लाइक मिले हैं, और लगभग 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुका है, और लगभग 2,000 के आसपास कमेंट भी मिले हुए हैं। और कल्लू जी अपने इस गाने को लेकर कौन सी पोजीशन पर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आपको बताएं कि 16वें नंबर पर कल्लू जी अपने फगुआ मंगाई तबला पर गाने को लेकर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है उसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आपको बताता हूँ, तो अभी तक तो नहीं दिख पा रहा है। लक्षरे जी हाँ, आ जाओ एक, हाँ देखिए, एक नीलकमल सिंह का भी गाना इस समय ट्रेंडिंग है वेव म्यूजिक से। इस गाने को 1 दिन पहले रिलीज करा गया है, 15 लाख बार अब तक इस गाने को जो है देखा जा चुका है, लगभग 30,000 के आसपास लाइक भी मिले हुए हैं, 2,500 के आसपास कमेंट मिले हुए हैं, और इस समय नीलकमल सिंह 25वें नंबर पर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं अपने इस सॉन्ग को लेकर, कि ई का कैले जीजा होली सॉन्ग है, ई का कैले जीजा इस गाने को लेकर के 26वें नंबर पर बने हुए हैं ट्रेंडिंग में। यानी एक नीलकमल सिंह एक गाने के साथ में, अरविंद अकेला कल्लू एक गाने के साथ में, 3 गानों के साथ में खेसारी लाल यादव जी, 1 गाने के साथ में पवन सिंह जी, यानी 3, 1, 4, 5, 6 टॉप 30 में आज भोजपुरी इंडस्ट्री से 6 गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने हैं, इन बातों का जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बने रहे हमारे साथ दोस्तों, नमस्कार।